नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम जेडीयू के प्रखंड कार्यालय मोतीपुर पे उपस्थित हैं और यहां से जिस संदेश को हम देने जा रहे हैं उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि यह संदेश छोटा मोटा नहीं है, पूरे देश स्तर का यह संदेश है। और यहां मोतीपुर नगर परिषद के जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उन लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नगर परिषद चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं, और वैसे लोगों को आज कार्यालय में सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ ही देश में दमनकारी सरकार यानी बीजेपी सरकार के विरुद्ध में तमाम महागठबंधन के प्रखंड इकाई के तमाम पदाधिकारी इस कार्यालय में बैठे हुए हैं। और बैठे हैं किस लिए, क्योंकि भारत में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही और यह जो लोगों की दुर्दशा है उसको बीजेपी को महागठबंधन के लोगों के द्वारा जिम्मेदार बताते हुए 15 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन पूरे बिहार समेत भारत में किया जाएगा, जिसका संदेश जो है प्रखंड इकाई मोतीपुर कार्यालय से दिया जा रहा है। और यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सभी लोगों से हम एक एक करके हम राय जानने का प्रयास करेंगे। रवि चौधरी जी हैं हमारे सामने, पूर्व जिला पार्षद भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या कहेंगे रवि जी, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये जो हम लोग का 15 तारीख को धरना है, वो हम लोग धरना के माध्यम से बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं। वो लोग जो बोलते हैं कि 9 साल बेमिसाल, वो अपना 9 साल बेमिसाल नहीं, एक बेमिसाल कार्य को वो बताएं तो हम लोग मानेंगे कि बीजेपी काम कर रही है। सारे निजी एजेंसियों, जांच एजेंसियों को अपने पॉकेट में रख के दूसरे दल के लोगों को परेशान करना, जेल भेजना, यही उनका काम है। एक भी जनता के प्रति उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे गरीब गुरुवा और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचा हो। इसी सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच सवाल बनता है कि बीजेपी सरकार जब भारत में एंट्री किया तो लोगों को यह संदेश दिया कि सर्वप्रथम पहला मुद्दा था कि काला धन वापस लाएंगे, और उसके जगह पर 1000 की नोट बंद हुई, पुनः 2000 के नोट प्रिंट किया गया, उसके खर्चा भी जो है देशवासियों के ऊपर ही पड़ा और पुनः जो है 2000 के नोट बंद कर दिया गया, उसका क्या? देखिए, नोट बंदी जब हुआ तो हम लोग को भी लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पब्लिक जो है सो परेशान हुई, उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिला। काला धन का इंतजार तो अभी तक कर रहे हैं, यही उनका बेमिसाल है 9 साल। काला धन का तो कहीं से दर्शन हुआ नहीं लोगों को। फ्री में गैस चूल्हा भी, हाँ गैस चूल्हा दिया, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग फिर जो है सो जलावन पे आश्रित हो गए। उतना ना पैसा है लोगों के पास जो गैस सिलेंडर भरवाएंगे। अफसरशाही बढ़ गई। देखिए, अफसरशाही तो बढ़ी हुई है, लेकिन बिहार में कम से कम सरकार जो है सो ईमानदार सरकार है जो लगाम लगा के रखी हुई है। लेकिन पूरे देश में देखिए ना कि सारी जांच एजेंसी उनके पॉकेट में है, सबको परेशान कर रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि विदेश नीति इतना तगड़ा है कि हमारा देश आगे चल रहा है। अब विदेश नीति तगड़ा है, विदेश नीति के बारे में वो जितना ढोल पीट ले, लेकिन उसका लाभ जनता को मिले तब ना नीति तगड़ा होगा। उसकी जनता को नहीं लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है सो बताइए ना, आपके विदेश भ्रमण से भारत की जनता को क्या लाभ मिल रहा है? देश में दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, सर्वमान्य चेहरा होंगे नीतीश कुमार। 23 तारीख को बैठक है, बिहार में बैठक है, सारे विपक्षी दलों के नेता पहुंच रहे हैं, उस बैठक में निर्णय होगा। क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की सीट जाने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, 31 सीट उनका घटेगा, वैसे ही सरकार उनकी अल्पमत में आ जाएगी। क्या आगाम दे रहे हैं इस आंदोलन में? इस आंदोलन में ये क्या आगाम दे रहे हैं? बस सारे लोग पहुंचेंगे और उनके सामने जो है सब भाजपा का पोल हम लोग खोलेंगे। तो इस प्रखंड के प्रखंड इकाई के तमाम लोग हैं, महागठबंधन के दल के और जेडीयू के जो है प्रखंड अध्यक्ष भी है। प्रखंड अध्यक्ष क्या कहिएगा, महागठबंधन की तरफ से क्या संदेश दे रहे हैं? आरजेडी की तरफ से ये संदेश है कि 15 तारीख को जो प्रखंड मुख्यालय पर जो धरना होने जा रहा है, तो ये धरना बहुत ही अहम धरना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भारत की सरकार है तो उस सरकार के विरोध में ये धरना होने जा रहा है। और ये एक ऐसी सरकार है जो हर तरह से विफल है,
यानी अभी तक आप अगर समीक्षा करेंगे तो ये सरकार समाज विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और अब तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हिंदुस्तान के आवाम को फायदा हो। तो अभी महंगाई बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इन सब मुद्दों को लेकर के अभी जो धरना होने जा रहा है, तो हम यही अपील करेंगे मोतीपुर प्रखंड के जो भी आवाम है उनसे अपील करेंगे कि 15 तारीख को भारी संख्या में आप लोग आए, शरीक हो, और समाज विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके विरोध है ये जो धरना होने जा रहा है, इसको आप सफल बनाएं ताकि हिंदुस्तान से आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले, यही हमारा आह्वान। मेरा नाम मोहम्मद उमेर, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर। तो अन्य भी जो महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हम जिला कार्यकारिणी CPI के सदस्य हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष बीमार हैं इसलिए आज वहां उपस्थित नहीं हैं। हम लोगों ने ये धरना 15 तारीख को देने जा रहे हैं उसकी सफलता के लिए आज हमारी बैठक हो रही है, और नव निर्वाचित हमारे कुछ सदस्य लोग यहाँ जीत कर आए हैं, वो काफ़ी सम्मानित लोग हैं, आज उनका सम्मान भी हम लोगों को करना है, इस उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और इसकी सफलता पर हम लोग कार्रवाई। क्या पर्चा? मेरा नाम रघुबर भक्त, पूर्व मुखिया और CPI जिला कार्यकारिणी सदस्य, और हम लोग का आज उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि कौन बैठे, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ, ये नारा है। नया भारत बनाओ ये धारा के साथ CPIML 15 तारीख को आंदोलन में भाग लेना है, किस मोतीपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस का क्या संदेश दे रहे हैं अपने पास? संदेश दे रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी के द्वारा जनता का जो शोषण हो रहा है, आज जो भी उनका आवाज निकलता है उसके ठीक विपरीत में जाते हैं। कभी कहे कि किसान का आमदनी दुगुना करेंगे तो किसाने का खर्चा हो गया तिगुना, सहारा इंडिया बैंक मतलब सारा का पैसा वो अपने 5 मित्र जो मोदी हैं उनको दे करके अब माफ भी किए और देश भगाइयों दिए। हमको हम लोग को तो लगता है कि मोदी जी उसमें शेयर है, बाहर विदेश में जो कंपनी बना है उसमें मोदी जी शेयर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सहारा सेवी का जो भी पैसा है वह जमाकर्ताओं को वापस किया जाए, उसके लिए कॉपरेटिव को आदेश भी दिया गया, इसके पश्चात भी सहारा का जो जमाकर्ता है पैसा उनको वापस नहीं मिल पा रहा है। अभी कहाँ मिला, जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक हम लोग विश्वास कैसे करेंगे? अभी तो भारत सरकार पर हम लोग 1% भी विश्वास नहीं है कि वो क्या बोलेगा क्या करेगा। और 15 तारीख का जो हम लोग को कार्यक्रम है जो प्रखंड मोतीपुर प्रखंड के तमाम महागठबंधन के अध्यक्ष और देश स्तर पर है या प्रखंड या जिला स्तर पर? ये प्रदेश स्तर पर हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, हर प्रखंड में 15 तारीख को कार्यक्रम ही होगा, केंद्र से मोदी भगाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ मोहन बैठा, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष। तो अब हम उस शख्स के पास जा रहे हैं जो मोतीपुर के नगर परिषद के उपसभापति पद और जेडीयू के सक्रिय सदस्य भी हैं, मनीष सिंह उनका नाम हुआ, और इस लड़ाई में काफी आगे पीछे करते हुए ये आगे निकल गए, और इनकी जो है आज कार्यालय में ये जो फूल माला आप देख रहे हैं इनको सम्मानित करने के लिए तमाम पार्टी के प्रखंड इकाई जो है यहाँ उपस्थित है। क्या कहिएगा मनीष जी, मोदी सरकार पर ये जो महंगाई है और ये जो व्यवस्था उस पर क्या कहिएगा? भाजपा के मोदी सरकार को इंडिया से हटाना है, भारत से हटाना है और महागठबंधन का सरकार बनाना है, इसमें हमारे नीतीश जी को बनाना है। जिस तरह नीतीश जी बिहार में अच्छा से चला रहे हैं देश में भी बहुत अच्छा से नीतीश जी। तो PM नीतीश जी बनेंगे तो CM की बनेगा? CM के लिए कुर्सी है नहीं, तो CM आप महागठबंधन तय करेगा कि कौन बनेंगे, हम लोग के बीच में सारा जीत किया गया। आप लोगों ने तय कर लिया कि PM बनेंगे नीतीश जी? वो तो बनेंगे, अभी CM के लिए तय नहीं किया। CM तय है, अब जिस समय आएगा लोग बताया जाएगा, अभी पहले से क्या उस पर बात करना है। और भक्तों को क्या कहेंगे, बीजेपी भक्तों को? वो तो अंधे भक्त है, वो लोग क्या कहेंगे, बीजेपी का माने देश को तो बर्बाद कर रहे हैं लोग। तब नगर परिषद की जो कुव्यवस्था है उस पर नगर परिषद वासियों को क्या संदेश देंगे? हम 10 साल पहले भी अच्छा से जो नगर दो चश्मे का जो है, दो चश्मा रहे चाहे बिना चश्मा रहे, हमारा प्रिंसिपल है जिस समय से हम राजनीतिक में आए, 4 आना पैसा
किसी का नहीं लिए, जिसका मैंने यह मिसाल है मोतीपुर, संदेश दें सारा जनता हमको वोट दिया है, जनता मालिक है, जनता मालिक के सामने खड़ा उतरेंगे। जिस तरह विरोधियों को उखाड़ दिया उस तरह इस बार भाजपा को भी उखाड़ देना, भाजपा को उखाड़ना ही है, भाजपा को उखाड़ देना है, नीतीश जी को लाना है, नीतीश जी को लाना है। तो मनीष सिंह जी हैं और तमाम लोगों से आग्रह किए हैं, चलिए जो भी करना होगा हम जदयू कार्यकर्ता करेंगे और 15 तारीख को धरना जो होगा वो हम लोग का शानदार धरना होगा, उनमें भागीदारी ले। और चूंकि यहाँ से यह संदेश दे रहा है कि मीडिया के माध्यम से कि तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं अपने अपने समय अवधि पर कार्यक्रम में भागीदारी लेकर और इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करें कि यह आंदोलन जो है देशव्यापी आंदोलन बन जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।